माई हमार मंदिर में बैठ के पूजा करत अड़ी जाए। पवन सिंह नया पार्टी का गठन करने जा रहे हैं भैया, तो विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं और मतलब 2025। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल में। अगर अपना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेस पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो भैया फाइनली पावर स्टार पवन सिंह जी मतलब लोकसभा का चुनाव हारने के बाद अब विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं और मतलब 2025 में विधानसभा है और बहुत जल्द मतलब वो नए पार्टी का गठन कर रहे हैं और मतलब पार्टी का कुछ नाम रखेंगे, जैसे मतलब बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, तो वैसे ही मतलब पावर स्टार पवन सिंह अब अपना पार्टी बनाएंगे, अब वो खुद का पार्टी बनाएंगे और बहुत जल्द मतलब उस पार्टी का भी नाम अनाउंस किया जाएगा और बहुत जल्द मतलब जैसे राहुल गांधी जनसंपर्क वगैरह किए थे उस समय, तो वैसे ही मतलब वो मतलब जनसभा यात्रा करेंगे और बहुत जल्द मतलब वो मतलब पार्टी का गठन करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद, क्योंकि चुनाव भी अगर हारे हैं तो बहुत कम वोटों से हारे हैं ना, तो इसलिए अब चाहते हैं कि भाई पब्लिक हमको चाह रहा है तो फिर क्यों नहीं करें। तो चुनाव के तैयारी के लिए बस 2025 में विधानसभा का चुनाव है तो उसमें अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और बहुत जल्द मतलब वो पार्टी का नया अपना खुद का पार्टी मतलब गठन करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही मतलब शॉकिंग खबर है कि पावर स्टार पवन सिंह मतलब अपने पार्टी का चुनाव मतलब अपने पार्टी के चुनाव के लिए मतलब कुछ इस तरह का मतलब वो पार्टी बनाएंगे जिससे जैसे बीजेपी आरजेडी ऐसे चल रहा है वैसे ही, और बहुत ही मतलब ये खुशखबरी है भोजपुरी के लिए और बहुत ही मतलब ये अभी सोशल मीडिया पर नहीं आया है बट ये बात की मतलब अंदर से ही मतलब ये बात आई है कि मतलब पावर स्टार पवन सिंह जी मतलब पार्टी का गठन करेंगे और ऐसे भी लग रहा था कि वो मतलब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भोजपुरी में एक ही एक स्टार है जो कुछ भी कर सकता है और मतलब उनको भर भर के मतलब सपोर्ट मिलता है और मिलता आ रहा है। बाकी अगर हमारे चैनल पे अगर ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।